दोस्तों, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, मेजर आशीष ढोंचक हरियाणा के रहने वाले थे, हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे, 2 महीने की बेटी को पीछे छोड़ के गए हैं, और एक चौथे ऑफिसर जो कल शहीद हो गए। पूरा देश उनको सम्मान करता है, पूरा देश उनकी शहादत के ऊपर बहुत दुखी है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा बड़ा दुख इस बात का है कि जिस वक्त उनकी शहादत की खबर आ रही थी, जिस वक्त वो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे, मुठभेड़ करते हुए जिस वक्त वो शहीद हुए और शहादत की खबर पूरे देश में फैली, उस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। हम ये मान सकते हैं कि जब बीजेपी वालों ने जश्न मनाना शुरू किया होगा तब तक खबर नहीं मिली होगी, लेकिन जिस वक्त वो जश्न मना रहे थे तब तक पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, तीनों वहां पे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद थे और जश्न मना रहे थे। टीवी पे चल रहा था कि वहां पे हमारे 3 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। क्या जश्न को रोका नहीं जाना चाहिए था? जश्न को बीच में रोकना नहीं चाहिए था? क्या जश्न मनाना सही था? पूरे देश को बड़ा दुख हुआ। मैं देख रहा हूं आज 1 लाख से ज्यादा लोग यहां मौजूद हैं, दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग मौजूद हैं। बारिश बार बार आ रही है लेकिन लोग भी डटे हुए हैं। अभी तक लोगों के सर दिखाई दे रहे थे, अब कुर्सियां दिखाई दे रही है, सबने अपने सर पे कुर्सियां रख ली। आपको मैं नमन करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि आप लोग यहां डटे हुए हैं। और सारा देश इस बात से ज्यादा दुखी है, हमारा पहला दुख है कि हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारा दूसरा बड़ा दुख है कि हमारे देश, जब वो हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे थे और मुठभेड़ में मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जश्न मना रहे थे। तीसरा बड़ा दुख है, आज 4 दिन हो गए इस बात को, 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे, अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री, हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते। क्या मजबूरी है? आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है? आपको क्या दुख नहीं होता? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है।